नमस्कार, मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो भोजन हलचल। आज हम आपके सामने एक ऐसा किस्सा लेकर आ रहे हैं जो तलाक पर आधारित है, शायद जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए। यह घटना रोहतक के रहने वाले दो प्रेमी जोड़ों की है। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरों पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में निकल गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेनी थी। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिर बार बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे, बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माता जी। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिलकर आ सकता है। घर में परिवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था उसको राधिका ने, एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपनों को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर पसर गया, बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है ये। बालों में सफेदी झांकने लगी है, शरीर पहले से आधा रह गया। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर में रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज, प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे, प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था नवीन, हाथ उठा था उसका, बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर, इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक भी हो गया। ना राधिका लौटी और ना नवीन लेने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान, इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ, राधिका को ना जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों, कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई। राधिका, महा तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। सुनकर राधिका की माँ ने नाक में भौं चढ़ाई। नहीं, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों, कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी, ले जाओ काम आएंगे तुम्हारे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया, वो नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने दबाने की जदोजहद कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सदे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक। मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया, दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे क्या। मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने, जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं हुई कभी।
राधिका की माँ आ गई, वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही हो इसके, अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था, वो सुनसी पड़ी जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी, उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बड़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा, अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो नवीन से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वे। इतने में माँ फिर आ गई, हाथ पकड़कर फिर से उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुनसी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया, बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं होता। काश उनको पहले मिलने दिया होता। रिश्ते कच्चे धागे की तरह बहुत नाजुक होते हैं, जो टूट तो यूं ही जाते हैं, लेकिन जुड़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ऐसे किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो आप देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।